हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून फूड ब्लिस। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है और गणेश जी का सर्वप्रिय है मोदक और लड्डू। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1/4 कप घी और उसे मेल्ट होने देंगे। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसमें डालेंगे 2 कप बेसन और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना चले जाए और ये हल्का भूरा ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई गांठे ना पड़े। बहुत बार ये समस्या हो जाती है कि आपका बेसन का लड्डू ना बनके पेड़ा बन जाता है। ये सब आपकी घी की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर आपका बेसन का लड्डू ज़्यादा ही फ्लोई बन रहा है तो आप उसमें अलग से भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा घी ना निकलने लग जाए और अच्छी सी बेसन की महक ना आने लग जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा घी निकलने लग गया है। इसे थोड़ा सा और चलाएंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसे हम थोड़ी और देर के लिए मिक्स करते रहेंगे। अब ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना बेसन का लड्डू दानेदार चाहिए तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे और हम इसे वापस से मिक्स कर 20 से 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें इलायची का पाउडर और 1 कप पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। पिसी हुई चीनी को अच्छी तरह घी और बेसन के मिक्सचर में मिला देंगे अपने हाथों से। ये ध्यान रहे कि पिसी हुई चीनी को गरम-गरम बेसन और घी के मिक्सचर में ना डालें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो चीनी मेल्ट होने लग जाएगी और आपका जो मिक्सचर है वो फ्लोई हो जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके उसे लड्डू की शेप में बनाएंगे। अपनी दोनों हाथों की मदद से अच्छे से राउंड शेप देंगे। आप देख सकते हैं ये दानेदार बना है। ये जो हमने मिक्सचर बनाया है, इसमें से 19 से 20 लड्डू बन सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा लड्डू बनाने हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लड्डू टूट रहे हैं, वो नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उनमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें घी की मात्रा कम हो सकती है जिससे वो बाइंड नहीं हो पा रहे हैं। हम और लड्डू बना देंगे।
अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जब हम बना रहे हैं तब डाल सकते हैं, पिस्ता या काजू इसके ऊपर लगा सकते हैं जब हम इसे रोल कर रहे हैं, या फिर अलग से इसकी ऐसे गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ते की गार्निशिंग की है। आप देख सकते हैं ये लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इसके ऊपर केसर की गार्निशिंग भी की है। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे से टूट रहा है और ये बिखर नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।